नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं। दोस्तों, आपको याद होगा कल नरेंद्र मोदी ने अपनी माँ के जन्मदिन पे, उनके 100वें जन्मदिन पे, उनके लिए अपने ब्लॉग में अपने मन का पूरा प्यार, पूरा का पूरा सम्मान ब्लॉग में वो डेल दिया। मुझे पर्सनली ये लगता है कि हर माँ बच्चे के लिए एक पूरी पाठशाला होती है, एक कंप्लीट जिंदगी जीने का पैकेज है। और पाठशाला से जैसा पाठ पढ़ के बच्चा निकलता है, समाज में वो उसी तरीके का बिहेव करता है, वैसे ही उसकी पर्सनैलिटी में वो रिफ्लेक्ट करता है। और फिर किसी ने ऐसे नहीं कहा है कि माँ किसी भी बच्चे की पहली पाठशाला होती है। आज खासतौर पे मैं जो बात आपको बताना चाह रही हूँ, आज जो लोग नरेंद्र मोदी को मुस्लिम विरोधी कहते हैं, मानते हैं, उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि वो एक बार इस वीडियो को पूरा देखें और वो समझेंगे, जानेंगे कि नरेंद्र मोदी का बचपन किस तरीके से गुजरा है और किस तरीके से उन्होंने अपने मुस्लिम दोस्तों की मदद की है। उन्होंने अपनी माँ हीराबेन मोदी के 100वें जन्मदिन के मौके पे ब्लॉग में एक बहुत ही प्यारा सा इंसिडेंट का जिक्र किया है उन्होंने। और वो कहते हैं कि उनका एक दोस्त था मुस्लिम, अली अब्बास, उसका उन्होंने इसमें जिक्र किया। और जैसे ही ये बात सामने आती है और पूरा सोशल मीडिया अब्बास अली को खोजने की कोशिशें करना शुरू कर देता है, आखिर में जो पीएम मोदी के बचपन के दोस्त होते हैं अब्बास अली, वो उनको जानने के लिए हर व्यक्ति काफ़ी उत्सुक दिखा। और अब्बास अली फिर सामने आते हैं और वो कहते हैं कि, यानी कि उन्हें ये बताना पड़ा कि मोदी ने जो भी अपने ब्लॉग में लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि वो बचपन में पूरा एक साल उनके घर में रहे थे, क्योंकि उस समय उनके पिता नहीं रहे थे। और श्री नरेंद्र मोदी के जो पिता थे, उनकी एक छोटी सी चाय की दुकान थी, और फिर भी वो अपने दोस्त के बेटे को अपने घर के लेके आते हैं, वहीं रहता है एक कमरे के घर में। और करीब एक साल तक अब्बास अली उनके घर में रहते हैं। सबसे खास बात यह है कि अब्बास ने ये भी कहा कि उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उन्हीं के घर में रह करके दी। दरअसल उनके पिता और पीएम मोदी के पिता काफ़ी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, और अब्बास की मौत के बाद फिर उनका ऐसा कोई हिसाब नहीं बनता कि वो पढ़ाई पूरी कर सकें या अपने किसी संबंधी रिश्तेदार के पास जा सकें। लिहाजा नरेंद्र मोदी के पिता उन्हें अपने घर ले आते हैं, और इस एक साल के दौरान जो भी त्यौहार आए, वो बहुत प्यार से पीएम मोदी की माँ ने उनके साथ सेलिब्रेट किए, जैसे जो अब्बास अली ने बताया है। वो ये कहते हैं कि जब ईद आई तो उन्होंने उनके लिए उनकी मनपसंद की सारी चीज़ें बनाई, और सिवाई खास तौर पे होती है वो सब उन्होंने बनाया और उसके साथ सारी खुशियां शेयर की। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने होली भी मनाई पीएम मोदी के साथ, और उसी घर में उन्होंने दिवाली भी मनाई। ईद के मौके पे जब पीएम मोदी की माँ उनके लिए सेवई बनाती थी तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था, ये भी उन्होंने माना। एक तरफ मोदी ने अपने ब्लॉग में लिखा और दूसरी तरफ अब्बास अली ने भी इसको तस्कीद किया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अब जो माहौल हो गया है, ऐसा माहौल पहले कभी नहीं था। अब आप ये देखिए कि दो दोस्त, एक तो हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी और एक उनके दोस्त अब्बास अली, ये दोनों पक्के दोस्त रहे हैं। और जो लोग नरेंद्र मोदी को ये कहते हैं कि वो मुस्लिम विरोधी हैं,
तो दोस्तों ये कैसे हो सकता है? अगर नरेंद्र मोदी के घर उनका एक दोस्त पूरा एक साल रहता है और हर खुशी हर गम हर फेस्टिवल में उनके साथ रहता है, तो फिर उनकी सोच ऐसी कैसे हो सकती है? पीएम मोदी ने, मैं आपको बताऊं कि उन्होंने अपने ब्लॉग में ये लिखा था कि बचपन में अब्बास मेरा दोस्त मेरे घर में ही रह करके पढ़ा। हम सब बाकी बच्चों की तरह माँ जैसे और बच्चों का माँ ख्याल रखती थी, वैसे ही अब्बास का भी माँ बहुत ख्याल रखती थी। ये पूरा ब्लॉग जो है ये दरअसल उन्होंने अपनी माँ के लिए लिखा था, और माँ की जो जो क्वालिटीज़ थी वो नरेंद्र मोदी ने अपने पूरे ब्लॉग में लिखी। और मैंने उनका पूरा ब्लॉग पढ़ा, मुझे लगा कि नरेंद्र मोदी की जो माँ है वो अपने आप में एक पूरा पैकेज है, दुनियादारी का भी और शिक्षा का भी संस्कार का भी। हालांकि मैं ये मानती हूँ कि बच्चों को संस्कार कहीं से उनके दिमाग में उडेले नहीं जाते। जो बच्चा देखता है अपने पेरेंट्स को, अपने आसपास जो देखता है, वो संस्कार वो खुद ब खुद ग्रहण कर लेता है। जैसा कि नरेंद्र मोदी ने अपने ब्लॉग में भी ये लिखा है कि उन्होंने कोई चीज़ पर्टिकुलर नहीं कही है, लेकिन एक जिस तारतम्य में वो लिखते हुए चले जाते हैं अपनी माँ के बारे में, तो ऐसा लगता है कि उनकी अपनी एक पूरी जिंदगी जो है और माँ के साथ जो उनका रिलेशनशिप है, और एक भारतीय माँ का जो एक अपने परिवार के प्रति रिलेशनशिप होता है, वो उन्होंने पूरा उसमें बयान कर दिया। कैसे उन्होंने कम पैसों में सभी पूरे परिवार को उन्होंने पाला और कभी उन्होंने शिकायत नहीं की। लेकिन कुछ चीज़ें इसमें बहुत अंडरलाइन करने वाली हैं, जैसे मैंने अब्बास का जिक्र किया, और जैसे ही उन्होंने ये पूरा ब्लॉग उनका एयर होता है और ऑन होता है सोशल मीडिया पे, वैसे ही सब लोग उस अब्बास के बारे में जानना शुरू कर देते हैं। और आप ये भी जानना चाह रहे होंगे कि केवल और केवल अब्बास पे ही लोगों ने क्यों फोकस किया, और शायद से उनके दिमाग में ये होगा कि अक्सर नेता लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन देखिए अब्बास अली ने खुद सामने आकर के ये वाली बात कही कि हाँ वो एक साल अपने पिता के जाने के बाद मोदी परिवार के साथ रहे। इससे अच्छी कोई और बात नहीं हो सकती। जो लोग ये कहते हैं कि मोदी केवल हिंदुओं की बात करते हैं, तो उनको ये समझ में आ गया होगा कि वो दरअसल क्या चाहते हैं। वो दरअसल अपने देश का हित चाहते हैं, और जो देश हित की व्यवस्थाएं हैं उसी में हम सब लोग रहें तो ज़्यादा अच्छा नहीं है? हम आज बात करते हैं कि मस्जिदें क्यों खुदवाई जा रही हैं, मंदिर क्यों निकलवाए जा रहे हैं, या फिर मैं एक लाइन में ये कहूँ कि जो ज्ञानवापी में खुदाई हुई है, जो लोगों को मिला है सर्वे में, वो फवारा है या कि शिवलिंग है। अगर हम इस पूरे ब्लॉक को पढ़ जाएं तो हमें ये समझ में भी आ जाएगा कि वो फवारा है या शिवलिंग है। एक व्यक्ति का जो करेक्टर होता है वो बहुत आसानी से मोदी के ब्लॉग में समझा जा सकता है। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि बहुत सारी चीज़ें नरेंद्र मोदी ने ऐसे ही लोगों को भावुक बनाने के लिए लिख दी हैं। ऐसा नहीं है, ये सब चीज़ें टुकड़ों टुकड़ों में कई बार वो शेयर कर चुके हैं, और उन्होंने जो बात थी वैसे ही उन्होंने लिखा। उन्होंने ये बात मानी कि उन्होंने कभी भी अपनी माँ को दो बार को छोड़ करके कभी भी वो उन्होंने अपनी माँ को सार्वजनिक मंच पे वो नहीं साथ में लेके गए। और सब लोग जानते हैं कि आज उनकी माँ अकेली रहती हैं और अपने सारे काम खुद करती हैं।
अगर वो चाहती तो वो पीएम हाउस में भी रह सकती थी, वहाँ उनके सारे ऐशोआराम पूरे हो सकते थे। लेकिन नहीं, एक इंसान का एक पर्सनैलिटी होती है और एक करेक्टर होता है, वो बताता है कि आप क्या है। दोस्तों, मुझे नरेंद्र मोदी का ब्लॉग काफी काफी मेरे दिल को छुआ, और जब मैंने सोशल मीडिया पे ये देखा कि अब्बास को लेकर के लोग काफी उत्सुक हैं, और फिर अब्बास ने भी ये सब बातें शेयर की, यानी कि खुले शब्दों में कहूँ तो ये नरेंद्र मोदी जी की जो बातें थी वो टैली हो गई, और ये अब्बास वाला मुद्दा लोग काफी गंभीरता से इसको ले रहे थे, तो ये टैली हो गया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब लोगों को ये भी पता चल गया होगा कि सब नेता झूठ नहीं बोलते हैं, सब नेता सच भी नहीं बोलते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जो बोलते हैं वो दिखता भी है। जैसे कि अब्बास ने सामने आकर के ये कहा कि हाँ, मैं उनके घर में रहा हूँ। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? मैं चाहूँगी कि आप मुझे अपनी राय मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और एक बात और, अगर आप पहली बार मेरे ब्लॉग पे आए हैं, देखिए मेरे मुंह ब्लॉग आ रहा है, मोदी जी का ब्लॉग है, मेरा तो वीडियो है। अगर आप पहली बार मेरे वीडियो पे वीडियो देख रहे हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए, अभी मैं ब्लॉग नहीं कहूँगी, वीडियो अगर आपको मेरा पसंद आए तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। और फिलहाल इतना ही, फिर मिलती हूँ आपसे किसी और कहानी के साथ, किसी और कंटेंट के साथ। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।